डिस्कसिंग अबाउट द स्मॉल वैल्यू पेड पर इंटरेस्ट। इसके बाद हम लार्ज वैल्यू पेड पर इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आज के वीडियो में सिर्फ स्मॉल वैल्यू पेड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्मॉल वैल्यू पेड इंटरेस्ट को इसमें पी बी डिनोट कर। तो हम बात करते हैं पेरेंट्रल क्या होते हैं। पेरेंट्रल स्टराइल सोल्यूशन होते हैं, आपको पता है स्टराइल मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। पायरोजन फ्री प्रिपरेशन होती हैं, पायरोजन आपको पता है बैक्टीरिया के मेटाबोलाइट प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो ये पेरेंट्रल सोल्यूशन जो होते हैं वो स्टराइल होते हैं, मीन्स फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लस पायरोजन फ्री प्रिपरेशन होती हैं। कैसे एडमिनिस्टर की जाती है बॉडी में, इंजेक्शन के थ्रू, कहाँ पर, स्किन की एक लेयर या एक से ज़्यादा लेयर्स के अंदर, या म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है। हम बात करते हैं टाइप्स की, तो दो टाइप के होते हैं पेरेंट्रल्स, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल क्या होते हैं, वॉल्यूम रेंजेस फ्रॉम 1 to 30 ml, मे बी गिवन इन सिंगल डोज और मल्टीपल डोज। मीन्स जो भी जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम जो ज़्यादा सबसे मैक्सिमम जो वॉल्यूम होता है 1 to 30 ml तक के जो वॉल्यूम होते हैं उनको बोलते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल। सिंगल डोज भी हो सकती है या मल्टीपल डोज, मीन्स दो बार सिंगल डोज क्या है, एक होता है सिंगल डोज मीन्स एक बार पूरी तरीके से पूरा निकाल लिया गया, और मल्टीपल डोज मीन्स एक बार ओपन हो गया और दो तीन डोज में से ली गई, उसे हम बोलेंगे मल्टीपल डोज। हम बात करते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स क्या होते हैं, तो वॉल्यूम रेंजेस फ्रॉम 100 to 1000 ml, मोस्टली गिवन है सिंगल डोज। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में जो वैल्यूम होता है पेरेंट्रल सोल्यूशन का वो 100 to 1000 ml तक वेरी कर सकता है। ये मेनली सिंगल डोज की तरह दिए जाते हैं, जैसे कि आपने ग्लूकोज देखा, ग्लूकोज चढ़ाते हुए देखा होगा, तो वो सब किस में आ जाएंगे, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में आ जाएंगे। हम बात करते हैं यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिर्फ स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स क्या होते हैं। तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स की हमने डेफिनेशन बताई कि 1 to 30 ml के जो पेरेंट्रल सोल्यूशन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स हैं, एम्प्यूल्स, वॉवल्स, ड्राई पाउडर्स एंड प्री सिरिंजेस। एम्प्यूल्स क्या होते हैं, एम्प्यूल्स सील्ड ग्लास कंटेनर्स विथ एन इलांगेटेड नेक दैट मस्ट बी ब्रोकन ऑफ। मीन्स ये क्या होते हैं, सी अभी हम आपको डायग्राम दिखाएंगे तो आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो भी एम्प्योर्स होते हैं ग्लास कंटेनर्स होते हैं, सील्ड होते हैं मीन्स बंद होते हैं, इनकी जो नेक होती है मीन्स अपर साइड पे जो नेक होती है वो इलांगेटेड नेक होती है, मीन्स लंबी होती है, जिससे उसको वहाँ से क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, ब्रेक ऑफ दोनों के नाश किया जाता है। मोस्ट एम्प्योर्स आर वेकेंट अराउंड द नेक फॉर ईजी ब्रेकिंग। जो एम्प्योर्स का जो नेक होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, वेकेंट होता है, मीन्स वीक होता है, कमजोर होता है, जिससे कि उसको इजली ब्रेक किया जा सके, इजली तोड़ा जा सके। वहाँ पे एक दीज विल हैव अ कलर्ड बैंड अराउंड द नेक, वहाँ पे एक आपको कभी कभी अपने ध्यान से देखेंगे एम्प्योर्स में कलर्ड बैंड टाइप का दिखेगा, एक रिंग टाइप की दिखेगी, वहीं से इजली ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो एम्प्योर होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, जिससे कि उस रिंग के से अगर हम तोड़ेंगे तो ईजिली टूट जाएगा। इट इज़ वेरी यूजफुल टू रैप एन एल्कोहल वाइप और स्मॉल पीस ऑफ गाज अराउंड द टॉप ऑफ द एम्प्योर बिफोर ब्रेकिंग इट, दिस विल प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन टू द फिंगर्स। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है कि अगर हम जब भी एम्प्योर का जो नेक है वहाँ पर कोई एल्कोहल वाइप यूज़ करें उसको पकड़ने के लिए तोड़ते टाइम, या कोई गाज पीस का यूज़ करें। क्यों, क्योंकि ये हमें किससे हेल्प करेगा, तोड़ते टाइम अगर जो उसके कांच के टुकड़े हैं वो हमारी फिंगर पे ना लगे, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे हमें डैमेज होने के चांसेस कम रहेंगे, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम दिखाया एम्प्योर्स का, ये देखिए ऊपर इलांगेटेड नेक है और एक रिंग आपको दिख रही है, रिंग कहाँ, रिंग इसलिए बनाई गई है कि इसलिए वहाँ से वहाँ पर तोड़ा जाए, और क्योंकि वहाँ पर जो ये एम्प्योर है वो क्या है, वीक है, कमजोर है, तो ईजली टूट जाएगा, ठीक है। और हम एल्कोहल वाइप का यूज़ कर सकते हैं तोड़ते टाइम, या गास पीस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो, फिंगर में कोई डैमेज ना आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉवल्स की, तो वॉवल्स ड्रग्स एंड अदर एडिटिव्स एंड आर पैकेज्ड इन वॉवल्स आइदर एज लिक्विड और लायोफिलाइज पाउडर्स। मीन्स ड्रग्स हैं और उसके जो अदर एडिटिव्स हैं उनको वॉवल्स में फिल किया जाता है, लिक्विड में फॉर्म में फिल कर सकते हैं, लायोफिलाइज पाउडर फॉर्म में फिल कर सकते हैं। मेडअप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड आर सील्ड विद रबर स्टॉपर। मेनली ये जो कंटेनर होते हैं वो किसके बने होते हैं, ग्लास या प्लास्टिक के बने होते हैं, और जो बंद करने के लिए ऊपर रबर स्टॉपर बना होता है। अ नीडल इज यूज टू ऐड कंटेंट टू और विथड्रॉ कंटेंट फ्रॉम द वॉल। जो रबर के थ्रू ही नीडल को इंसर्ट किया जाता है और अंदर के कंटेंट को बाहर निकाल सकते हैं, और बाहर से कोई
अदर कंटेंट डालना है उसके अंदर, तो नीडल के वो सिरिंज के थ्रू ही डालते हैं, नीडल के थ्रू ही डालते हैं। मे बी सिंगल डोज और मल्टीपल डोज, सिंगल डोज भी हो सकता है मीन्स पूरा पूरा वॉवल एक बार में भी यूज हो सकता है, या मल्टीपल डोज भी हो सकता है। मल्टी डोज वॉवल कंटेन है प्रिजर्वेटिव टू इनिबिट बैक्टीरियल कंटेमिनेशन वंस द वॉवल हैज बीन सीन। मल्टी डोज भी क्या, हमने एक बार यूज़ किया उसके अभी भी ड्रग है, हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टी डोज है उसमें। तो इसके लिए इसमें जो मल्टी डोज होते हैं वॉवल्स, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है ताकि उसमें भी बैक्टेरियल कंटेमिनेशन कम हो सके। क्यों? क्योंकि अगर एक बार ओपन हो गया तो उसमें बैक्टेरियल कंटेमिनेशन के चांस होते हैं। ये हमारा ये आपका वॉवल का डायग्राम है, वॉवल का हमने लिखा है, ऊपर एक रबर स्टॉपर लगा हुआ है और ऊपर रबर जो स्टॉपर के में ये जो आपका एल्यूमिनियम जैसा कुछ दिख रहा है उसको हटा दिया जाता है और उस ये ऊपर के जो उससे सिरिंज को इंसर्ट किया जाता है वॉवल के अंदर। ये प्लास्टिक का भी हो सकता है नीचे कंटेनर, और कांच का भी हो सकता है। नेक्स्ट है ड्राई पाउडर। सो ड्राई पाउडर फॉर्मुलेशन आर लायोफिलाइज्ड और फ्री ड्राइड फ्रीज ड्राइड पाउडर्स दैट मस्ट बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद सम सूटेबल सॉल्वेंट टू मेक अ लिक्विड फॉर्मुलेशन बिफोर बीइंग विथड्रॉ फ्रॉम द वॉवल। ये भी जो है ड्राई पाउडर्स भी वॉवल में ही रखे जाते हैं, लेकिन इन ये वॉवल्स में लिक्विड भी हमने जो अभी इससे पहले वॉवल्स बताया था उसमें लिक्विड प्रिपरेशन हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे वॉवल्स में ड्राई पाउडर भी हो सकते हैं, वो लायोफिलाइज्ड फॉर्म के भी हो सकते हैं, फ्रीज ड्राइड फॉर्म के भी हो सकते हैं। अब इसका क्यों बनाया जाता है, क्यों लिक्विड के लिए यूज़ कर सकते हैं? सम ड्रग्स आर नॉट स्टेबल इन लिक्विड फॉर्म, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में स्टेबल नहीं होती हैं, एंड सो दीज ड्रग्स आर पुट इन टू पाउडर फॉर्म एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड जस्ट बिफोर टू यूज़। इसलिए इनको क्या किया जाता है, पाउडर फॉर्म में रखा जाता है और इनको यूज़ करने से पहले इनको रिकॉन्स्टिट्यूट बनाया जाता है किसमें, सॉल्वेंट में। मीन्स आप लोगों ने देखा हो कभी कभी कि आप लोगों को पाउडर फॉर्म में ड्रग होगी और साथ में उसके साथ स्टेराइल सॉल्यूशन दिया होगा, वाटरफॉल इंजेक्शन भी हो सकता है वो, और सलाइन वाटर भी हो सकता है, उसमें आप लोग डिजॉल्व करते हो देन बॉडी में इंजेक्ट कराते हो। तो इट कंसिस्ट ऑफ सिरिंजेस। हाँ, नेक्स्ट है हमारा प्रीफिल्ड सिरिंजेस। प्रीफिल्ड सिरिंजेस क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ सिरिंजेस विच आर प्रीफिल्ड विद ड्रग सॉल्यूशन। ये वो सिरिंजेस होती हैं जिसे हम लोग सिरिंज से क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें ड्रग भरते हैं, उसे पैरेंटल कोई भी एम्प्लॉयज के थ्रू उसमें ड्रग लिया देन इंजेक्ट किया बॉडी में। बट जो प्रीफिल्ड सिरिंजेस होती हैं वो ऑलरेडी फिल्ड होती है, मीन्स मार्केट से ऑलरेडी उसमें ड्रग फिल होकर आती है। दीज आर टू टाइप, दो टाइप की हो सकती है। कार्टिलेज टाइप पैकेज, इट इज़ अ सिंगल सिरिंज एंड नीडल यूनिट विच इज़ टू बी प्लेस इन अ स्पेशल होल्डर बिफोर यूज। वंस अ सिरिंज एंड नीडल यूनिट इज यूज दे आर डिस्कार्डेड बट द होल्डर इज यूज अगेन विद अ न्यू यूनिट। ये क्या होते हैं, सिंगल सिरिंज होते हैं और नीडल यूनिट होती है जो किस पे पकड़े जाते हैं, स्पेशल होल्डर से उसको में प्लेस किया जाता है और एक बार जब सिरिंज और नीडल का यूज़ हो जाता है तो इसको फेंक दिया जाता है और उसके बाद जो लेकिन जो होल्डर है उसको रख लिया जाता है ताकि न्यू यूनिट का यूज़ कर सके। दूसरा टाइप का प्रीफिल्ड सिरिंज है इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट बोथ एंड्स विद रबर स्टॉपर्स। द प्रीफिल्ड ट्यूब इज प्लेस्ड इनटू अ स्पेशली डिजाइंड सिरिंज दैट हैज अ नीडल अटैच्ड टू इट। आफ्टर यूजिंग दिस टाइप ऑफ प्रीफिल्ड सिरिंज ऑल ऑफ द पीसेज आर डिस्कार्डेड। इसमें कोई होल्डर नहीं होता है और दोनों जिसमें जो प्रीफिल्ड सिरिंज होती है वो किसकी बनी होती है, वो ग्लास की बनी होती है, ग्लास ट्यूब होती है जिसके दोनों साइड क्या होते हैं, रबर स्टॉपर लगे होते हैं। तो ये हमारा ये हमने प्रीफिल्ड का ये डायग्राम है, ये एक बार यूज़ करके फिर इसको फेंक दिया जाता है। तो ये हमारा पूरा वीडियो था स्मॉल वॉल्यूम पेंटर्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम लार्ज वॉल्यूम पेंटर्स और उनका जो भी लार्ज वॉल्यूम पेंटर्स में जो भी आपके लाइक जैसे वॉवल्स एंड टूल्स आते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें आएंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।